ओम शांति। आज 3 सितंबर 2024 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा कहे, बच्चे तुम्हें इस पुराने शरीर से कभी तंग नहीं होना है, क्योंकि इसी शरीर द्वारा तुम बेहद की कमाई करते हो। तो खुशी से जितना बाप को याद करेंगे, कमाई जमा होती जाएगी और खुशी की खुराक मिलती जाएगी। साथ ही साथ बाबा कहे, तुम सभी पैसेंजर्स हो, एक दूर देश की यात्रा पर चल रहे हो, लेकिन उस दूर देश की यात्रा पर जाने के लिए बाबा कहे, देह सहित देह के सर्व संबंधों को भूलना है। इस पुरानी पतित दुनिया में तुम्हें किसी भी देहधारी से प्यार नहीं रखना है, क्योंकि तुम पावन दुनिया में जा रहे हो, एक बाप से ही प्यार करना है। बाबा कहे, जैसे इस संसार में आए थे शुद्ध पवित्र होकर के, ऐसे ही वापस घर जाना भी उसी स्थिति में है। तो तुम बच्चों को हंस बनना है, मोती चुगना है, कभी किचड़े को चुगना नहीं है। किचड़े को साइड करते जाना है, मोती चुगते हुए आगे बढ़ना है। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम्हें किसी भी पतित देहधारियों से प्यार नहीं रखना है। क्यों? क्योंकि तुम पावन दुनिया में जा रहे हो, एक बाप से प्यार करना है। आज की मुरली से प्रश्न है, तुम बच्चों को किस चीज से तंग नहीं होना है और क्यों? उत्तर, तुम्हें अपने इस पुराने शरीर से जरा भी तंग नहीं होना है, क्योंकि यह शरीर बहुत बहुत वैल्यूबल है। आत्मा इस शरीर में बैठ बाप को याद करके बहुत बड़ी लॉटरी ले रही है। बाप की याद में रहेंगे तो खुशी की खुराक मिलती रहेगी। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे, अब दूर देश के रहने वाले फिर दूर देश के पैसेंजर्स हो। हम सभी दूर देश के रहने वाले पैसेंजर्स हो, हम आत्माएं हैं और अभी बहुत दूर देश जाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। यह सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो कि हम आत्माएं दूर देश की रहने वाली है, और दूर देश में रहने वाले बाप को भी बुलाते हैं कि आकर हमको भी वहां दूर देश में ले जाओ। अब दूर देश का रहने वाला बाप तुम बच्चों को वहां ले जाते हैं। तुम रूहानी पैसेंजर्स हो, क्योंकि इस शरीर के साथ हो ना, इसलिए पैसेंजर्स कहा। रूह ही ट्रैवलिंग करेगी, शरीर तो यहां ही छोड़ देंगी, बाकी रूह ही ट्रैवलिंग यानी यात्रा करेगी। रूह कहां जाएगी? अपने रूहानी दुनिया में। यह है जिस्मानी दुनिया, वह है रूहानी दुनिया। बच्चों को बाप ने समझाया है, अब घर वापस जाना है, अब घर वापस जाना है, जहां से पाठ बजाने यहां आए हैं। यह बहुत बड़ा मांडवा अथवा स्टेज है, स्टेज पर एक्ट करके पाठ बजाकर फिर सबको वापस जाना है। नाटक जब पूरा होगा तब तो जाएंगे ना, नाटक भी पूरा होना चाहिए। तो बाबा कहे, नाटक जब पूरा होगा तब तो जाएंगे ना। अभी तुम यहां बैठे हो, तुम्हारा बुद्धि योग घर और राजधानी में है, ये तो पक्का पक्का याद कर लो, क्योंकि यह तो गायन है अंत मते सुगति। अभी यहां तुम पढ़ रहे हो, जानते हो भगवान शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। भगवान तो सिवाय इस पुरुषोत्तम संगम युग के कभी पढ़ाएंगे नहीं। सारे 5000 वर्ष में निराकार भगवान एक ही बार आकर पढ़ाते हैं, यह तो तुमको पक्का निश्चय है।
पढ़ाई भी कितनी सहज है, अब घर जाना है। उस घर से तो सारी दुनिया का प्यार है, उसी घर से तो सारी दुनिया का प्यार है। सब चाहते हैं मोक्ष मिल जाए, मुक्ति मिल जाए, मुक्ति धाम में जाना तो सब चाहते हैं, परंतु उसका भी अर्थ नहीं समझते हैं। मनुष्य की बुद्धि इस समय कैसी है और तुम्हारी बुद्धि अब कैसी बनी है, कितना फर्क है। तुम्हारी है स्वच्छ बुद्धि नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। सारे विश्व के आदि मध्य अंत का नॉलेज तुमको अच्छी तरह है। तुम्हारे दिल में यह है कि हमको अब पुरुषार्थ कर नर से नारायण जरूर बनना है। यहां से तो पहले अपने घर में जाएंगे ना, तो खुशी से जाना है। अपने घर में जाएंगे तो बाबा कहे खुशी से जाना है। जैसे सतयुग में देवताएं खुशी से एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, वैसे इस पुराने शरीर को भी खुशी से छोड़ना है। इनसे तंग नहीं होना है, क्योंकि ये बहुत वैल्यूबल शरीर है। इस शरीर द्वारा ही आत्मा को बाप से लॉटरी मिलती है। हम जब तक पवित्र नहीं बने हैं तो घर जा नहीं सकेंगे। बाप को याद करते रहेंगे तभी इस योग बल से पापों का बोझा उतरेगा, नहीं तो बहुत सजा खानी पड़ेगी। पवित्र तो जरूर बनना है। बाबा कहे घर जाना है तो कैसे जाना है, पवित्र तो जरूर बनना है। लौकिक संबंध में भी बच्चे कोई गंदा पति काम करते हैं तो बाप गुस्से में आकर लाठी से भी मार देते हैं, क्योंकि बेकायदे पतित बनते हैं। इसके साथ भी बेकायदे प्यार रखते हैं तो भी माँ बाप को अच्छा नहीं लगता है। ये बेहद का बाप फिर कहते हैं तुम बच्चों को यहां तो रहना नहीं है, अभी तुमको जाना है नई दुनिया में। वहां विकारी पतित कोई होता नहीं, एक ही पतित पावन बाप आकर ऐसा पावन तुमको बनाते हैं। बाप खुद कहते हैं हमारा जन्म दिव्य और अलौकिक है, और कोई भी आत्मा मेरे समान शरीर में प्रवेश नहीं कर सकती है। बल धर्म स्थापक जो आते हैं उनकी आत्मा भी प्रवेश करती है, परंतु वह बात ही अलग है। बाबा की प्रवेशता और उन धर्म आत्माओं की प्रवेशता में बहुत बड़ा अंतर है। हम तो आते ही है सबको वापस ले जाने के लिए, और वह तो ऊपर से उतरते हैं नीचे अपना पाठ बजाने, औरों को भी ले आते हैं। हम तो सबको ले जाते हैं, फिर बतलाते हैं कि तुम कैसे पहले पहले नई दुनिया में उतरेंगे। उस नई दुनिया सतयुग में बगुला कोई भी होता नहीं है। बाप तो आते ही है बगलों के बीच, फिर तुमको हंस बनाते हैं। अब तुम हंस बने हो, मोती ही चुगते हो। सतयुग में तुमको ये रत्न नहीं मिलेंगे, यहां तुम ये ज्ञान रत्न चुग कर हंस बनते हो। बगुले से तुम हंस कैसे बनते हो वो बाप बैठ समझाते हैं। ज्ञान रत्नों को चुग करके हंस बनते हैं। अभी तुमको हंस बनाते हैं, देवताओं को हंस, असुरों को बगला कहेंगे। अभी तुम किचड़ा छुड़ाए मोती चुगाते हो, तुमको ही पद्मा पदम भाग्यशाली कहते हैं। बाबा कहे तुम ही हो पद्मा पदम भाग्यशाली। तुम्हारे पैर में छापा लगता है पद्मों का। कहते ना जब कोई चलता है और उसके पैरों के निशान में कमल का फूल बनता है, तो बाबा कहे इस समय तुम्हारे पैर में छापा लगता है पद्मों का। शिव बाबा को तो पांव है नहीं जो पद्म हो सके, वह तो तुमको पद्मा पद्म भाग्यशाली बनाते हैं। बाप कहते हैं मैं तुमको विश्व का मालिक बनाने आया हूं,
ये सब बातें अच्छी रीति समझने की है। मनुष्य यह तो समझते हैं ना स्वर्ग था, परंतु कब था, फिर कैसे होगा ये पता नहीं है। तुम बच्चे अभी रोशनी में आए हो, ये सब है अंधियारे में। दुनिया की आत्माएं तो सब अंधियारे में है। ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक कब कैसे बने ये पता ही नहीं है। 5000 वर्ष की बात है। बाप बैठकर समझाते हैं, जैसे तुम आते हो पाठ बजाने वैसे मैं भी आता हूं। तुम निमंत्रण देकर बुलाते हो, हे बाबा हम पतितों को आकर पावन बनाओ, और किसको भी ऐसे कभी नहीं कहेंगे। धर्म स्थापक की आत्माओं को भी ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि हे पावन आत्माएं आओ हमको पावन बनाओ। अपने धर्म स्थापक को भी ऐसे नहीं कहेंगे कि आकर हम सबको पावन बनाओ। क्राइस्ट अथवा बुद्ध को थोड़ी पतित पावन कहेंगे। गुरु वह जो सदगति करे, वह तो आते हैं उनके पिछाड़ी सबको नीचे उतरना है। धर्म स्थापक आते हैं तो उनके पिछाड़ी सभी को नीचे उतरना है। यहां से वापस जाने का रास्ता बतलाने वाला, सर्व का सदगति करने वाला अकाल मूरत एक ही बाप है। वास्तव में सतगुरु अक्षर ही राइट है। तुम सबसे राइट अक्षर फिर भी सिख लोग बोलते हैं। बाबा कहे लास्ट में आया है तो इसीलिए वो एकदम राइट अक्षर बोलते हैं। बड़ी बड़ी आवाज से कहते हैं सतगुरु अकाल, बड़ी जोर से धुन लगाते हैं। सतगुरु अकाल मूर्त कहते हैं। मूर्ति नहीं हो तो वह फिर सतगुरु कैसे बनेंगे ना? अकाल मूर्त, अगर मूर्त ही नहीं है तो फिर सतगुरु कैसे बनेंगे, सदगति कैसे देंगे। बस सतगुरु स्वयं ही आकर अपना परिचय देते हैं। मैं तुम्हारे मिसल जन्म नहीं लेता, परमात्मा आकर कहते हैं मैं तुम्हारे मिसल जन्म नहीं लेता। और तो सब शरीरधारी बैठ सुनाते हैं, तुमको अशरीरी रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। रात दिन का फर्क है। इस समय मनुष्य जो कुछ करते हैं वह रॉन्ग ही करते हैं, क्योंकि रावण की मत पर है ना। हर एक में 5 विकार है। अभी रावण राज्य है, यह बातें डिटेल में बाप बैठ समझाते हैं, नहीं तो सारी दुनिया के चक्र का मालूम कैसे पड़े। ये चक्र कैसे फिरता है मालूम पड़ना चाहिए ना। यह भी तुम नहीं कहते हो कि बाबा समझाओ, आपे ही बाबा समझाते रहते हैं। आपे ही बाबा समझाते रहते हैं, तुमको एक भी प्रश्न पूछने का नहीं रहता। भगवान तो बाप है, बाप का काम है सब कुछ आपे ही समझाना या सुनाना। बाप का काम है सब कुछ आपे ही सुनाना, आपे ही सब कुछ करना। बच्चों को स्कूल में बाप आपे ही बिठाते हैं, नौकरी पर लगाते हैं, फिर उनको कहते हैं 60 वर्ष बाद ये सब छोड़ भगवान का भजन करना, वेद शास्त्र आदि पढ़ना, पूजा करना। तुम आधा कल्प पुजारी बने, फिर आधा कल्प के लिए पूज्य बनते हो। पवित्र कैसे बनो, उसके लिए कितना सहज समझाया जाता है, फिर भक्ति बिल्कुल छूट जाती है। वह सब भक्ति कर रहे हैं और तुम ज्ञान ले रहे हो। दुनिया की आत्माएं सब भक्ति कर रहे हैं, तुम ज्ञान ले रहे हो। वह रात में है, तुम दिन में जाते हो, अर्थात स्वर्ग में। गीता में लिखा हुआ है मन मना भव, ये अक्षर तो मशहूर है, गीता पढ़ने वाले समझ सकते हैं। बहुत सहज लिखा हुआ है, सारी आयु गीता पढ़ते आए हैं कुछ भी नहीं समझते।
अब वही गीता का भगवान बैठ सिखलाते हैं, वही गीता का भगवान बैठ सिखलाते हैं तो पतित से पावन बन जाते हैं। अभी हम भगवान से गीता सुनते हैं, फिर औरों को सुनाते हैं, पावन बनते हैं। बाप के महावाक्य है ना, यह है वही सहज राजयोग। मनुष्य कितने अंधश्रद्धा में डूबे हुए हैं, बाबा कहे मनुष्य कितने अंधश्रद्धा में डूबे हुए हैं, तुम्हारी तो बात ही नहीं सुनते हैं। ड्रामा अनुसार उन्हों की भी जब तकदीर खुले तभी आ सके तुम्हारे पास। तुम्हारे जैसी तकदीर और कोई धर्म वालों की नहीं होती। बहुत ऊंची तकदीर हमारी बाबा बनाते हैं। बाप ने समझाया है यह तुम्हारा देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है। तुम भी समझते हो बाप ठीक कहते हैं। शास्त्रों में तो वहां के कंस रावण आदि बैठ दिखाए हैं, वहां के सुख का तो कोई को पता ही नहीं है। बल देवताओं को पूछते हैं परंतु बुद्धि में कुछ नहीं बैठता। अब बाप कहते हैं बच्चे मुझे याद करते हो, पूछते बाबा मुझे याद करते हो। ऐसे कभी सुना कि बाप बच्चों को कहे कि तुम मुझे याद करो? लौकिक बाप कभी ऐसे याद कराने का पुरुषार्थ कराते हैं क्या? ये बेहद का बाप बैठ समझाते हैं। तुम सारे विश्व के आदि मध्य अंत को जानकर चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। पहले तुम जाएंगे घर, फिर आना है पाटधारी बनकर। अभी किसको भी पता नहीं पड़ेगा कि यह नई आत्मा है या पुरानी आत्मा है। नई आत्मा का नामाचार जरूर होता है, लाभ कहे नई आत्मा का नामाचार जरूर होता है। अभी भी देखो कोई कोई का कितना नामाचार होता है। मनुष्य ढेर आ जाते हैं, बैठे बैठे अनायास ही आ जाते हैं, बैठे बैठे अनायास ही आ जाते हैं। तो वह प्रभाव पड़ता है, बाबा भी इसमें अनायास ही आते हैं। शिव बाबा भी ब्रह्मा तन में अनायासी आ जाते हैं, तो प्रभाव पड़ता है। वह भी नई आत्मा आती है तो पुरानों पर प्रभाव होता है। धर्म स्थापक की आत्मा भी जब आती है तो उनका भी प्रभाव होता है, तो पुरानों पर प्रभाव होता है। टाल टालियां निकलती जाती है तो उनकी महिमा होती है। किसको पता नहीं रहता है कि इनका नामाचार क्यों है। नई आत्मा होने से उनमें कशिश होती है। अभी तो देखो कितने ढेर झूठे भगवान बन गए हैं, बाबा कहे अभी तो कितने ढेर झूठे भगवान बन गए हैं। इसलिए गायन है सच की बेड़ी हिलती डुलती है लेकिन डूबती नहीं है। तूफान बहुत आते हैं क्योंकि भगवान खेवैया है ना, बच्चे भी हिलते हैं, नाव को तूफान बहुत लगते हैं। और सत्संगों में तो ढेर जाते हैं परंतु वहां कभी तूफान आदि की बात नहीं आती। यहाँ अबलाओं पर कितने अत्याचार होते हैं परंतु फिर भी स्थापना तो होनी है। बाप बैठ समझाते हैं हे आत्माएं तुम कितना जंगली कांटे बन पड़े हो। दूसरों को कांटा लगाते हो तो तुमको भी कांटा लगता है। रिस्पॉन्ड तो हर बात का मिलता है, वहां दुख की छीछी बातें कोई होती नहीं है। इसलिए उनको कहा ही जाता है स्वर्ग। मनुष्य स्वर्ग और नर्क कहते हैं परंतु समझते नहीं है। कहते हैं फलाना स्वर्ग गया, यह कहना भी वास्तव में रॉन्ग है। निराकारी दुनिया को कोई हेवन नहीं कहा जाता है, वह है मुक्ति धाम। या फिर कहते स्वर्ग में गया, बाबा कहे लोग कहते हैं स्वर्ग में गया, बाकी है तो मुक्ति धाम। अभी तुम जानते हो यह मुक्ति धाम आत्माओं का घर है। जैसे यहाँ घर होते हैं, भक्ति मार्ग में जो बहुत धनवान होते हैं
तो कितने ऊंचे मंदिर बनाते हैं। शिव का मंदिर देखो कैसा बनाया हुआ है, लक्ष्मी नारायण का भी मंदिर बनाते हैं, तो सच्चे जेवर आदि कितने होते हैं, बहुत धन रहता है। अभी तो झूठ हो गया है। तुम भी आगे कितने सच्चे जेवर पहनते थे, अभी तो गवर्नमेंट के डर से सच्चा छिपाए झूठ पहनते रहते हैं। वहां तो है सच ही सच, वहां तो देवताएं जेवर भी जो पहनते हैं सच ही सच, झूठा कुछ भी होता नहीं। यहां सच्चा होते भी छिपा कर रख देते हैं। दिन प्रतिदिन सोना महंगा होता रहता है। वहां तो है ही स्वर्ग, तुमको सब कुछ नया मिलेगा, नई दुनिया में सब कुछ नया, अकिचार अथा धन था। अभी तो देखो हर एक चीज कितनी महंगी हो गई है। बाबा कहे हर एक चीज देखो इतनी महंगी हो गई है। अभी तुम बच्चों को मूल वतन से लेकर सब राज समझाया है। मूल वतन का राज बाप बिगर कौन समझाएंगे। तुमको भी फिर टीचर बनना है, गृहस्थ व्यवहार में भी भल रहो, कमल फूल समान पवित्र रहो, औरों को भी आप समान बनाएंगे तो बहुत उच्च पद पा सकते हो। यहाँ रहने वालों से भी वह उच्च पद पा सकते हैं। नंबर वार तो है ही, बाहर में रहते हुए भी विजय माला में पिरो सकते हैं। हफ्ते का कोर्स ले फिर भल विलायत में जाए, वह कहां भी जाए सारी दुनिया को भी मैसेज मिलना है। बाप आए हैं सिर्फ कहते हैं माम एकम याद करो, वह बाप ही लिबरेटर है, गाइड है। वहां तुम जाएंगे तो अखबार में भी बहुत नाम हो जाएगा, दूसरों को भी ये बहुत सहज बात लगेगी। आत्मा और शरीर दो चीज है, आत्मा में ही मन बुद्धि है, शरीर तो जड़ है, पाड़धारी आत्मा बनती है। खूबी वाली चीज आत्मा है, खूबी वाली चीज आत्मा है। तो अब बाप को याद करना है, यहां रहने वाले इतना याद नहीं करते हैं जितना बाहर वाले करते हैं। जो बहुत याद करते हैं और आप समान बनाते रहते हैं, कांटों को फूल बनाते रहते हैं, वह ऊंच पद पाते हैं। तुम समझते हो पहले हम भी कांटे थे, अब बाप ने ऑर्डिनेंस निकाला है, काम महाशत्रु है, इन पर जीत पाने से तुम जगत जीत बन जाएंगे, परंतु लिखत से कोई समझते थोड़ी है। अभी बाप ने समझाया है तो हर बात समझ में आती है। तो इसीलिए बाबा कहे तुम्हें विकारों पर जीत प्राप्त करके जगत जीत बनना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, सदा ज्ञान रत्न चुगने वाला हंस बनना है। मोती ही चुगने हैं, किचड़ा छोड़ देना है। हर कदम में पद्मों की कमाई जमा कर पद्मा पद्म भाग्यशाली बनना है। दूसरी पॉइंट, उच्च पद पाने के लिए टीचर बनकर बहुतों की सेवा करनी है। कमल फूल समान पवित्र रहे, आप समान बनाना है, कांटों को फूल बनाना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान है, तेरे मेरे की हलचल को समाप्त कर रहम की भावना इमर्ज करने वाले मर्सीफुल भव। तेरे मेरे की हलचल को समाप्त कर रहम की भावना इमर्ज करने वाले मर्सीफुल भव। समय प्रति समय कितनी आत्माएं दुख की लहर में आती है,
प्रकृति की थोड़ी भी हलचल होती है, आपदाएं आती है तो अनेक आत्माएं तड़पती है, मर्सी रहम मांगती है, तो ऐसी आत्माओं की पुकार सुन रहम की भावना इमर्ज करो, पूज्य स्वरूप मर्सीफुल का धारण करो, स्वयं को संपन्न बना लो तो यह दुख की दुनिया संपन्न हो जाए। अभी परिवर्तन की शुभ भावना की लहर तीव्र गति से फैलाओ तो तेरे मेरे की हलचल समाप्त हो जाएगी। आज का स्लोगन है, व्यर्थ संकल्पों की हथौड़ी से समस्या के पत्थर को तोड़ने के बजाय हाई जंप दे समस्या रूपी पहाड़ को पार करने वाले बनो। व्यर्थ संकल्पों की हथौड़ी से समस्या के पत्थर को तोड़ने के बजाय हाई जंप दे समस्या रूपी पहाड़ को पार करने वाले बनो। अच्छा, ओम शांति।